नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी ले आए हैं। यहाँ पर कल से यानी 19 नवंबर से यूनेक्स सनराइज 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन होगा और ये पूरे मैच इसी एकेडमी में, इसी स्टेडियम में खेले जाने वाले हैं। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन 19 नवम्बर को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा किया जाएगा। आज इस आयोजन की जानकारी देते हुए इस आयोजन के सचिव और उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के सचिव डॉक्टर सुधर्मा सिंह ने बताया कि दो राज्यों को छोड़ दें, अगर सिक्किम और मेघालय, चूंकि वहां सर्दियां हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए वहां के खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी 31 राज्यों से टीमें आ रही हैं और लगभग 300 बालक बालिका इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनका लिस्ट फाइनल हो चुकी है, उनकी सूची हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहां से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस चैंपियनशिप में बालक और बालिका यानी बॉयज और गर्ल्स के सिंगल, डबल, एकल और युगल दोनों प्रतिस्पर्धाएं खेली जाएंगी। और दोस्तों, इस एकेडमी में ये जो खिलाड़ी 31 राज्यों के हैं लगभग पहुंच चुके हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और कल से जब उद्घाटन हो जाएगा इसके बाद से ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो पूरे देश भर से नन्हे मुन्ने शटलर्स यहाँ पर जमा हैं, तो आपको मौका लगे तो जरूर परिवार के साथ एक बार जाइए और अपने बच्चों को भी इस बैडमिंटन की प्रतिस्पर्धा को दिखाइए। अंतिम और फाइनल मैच की अगर हम बात करें तो 23 नवंबर को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और उसके बाद ही जो खिलाड़ी इसमें चुने जाएंगे, जो विजेता होंगे, उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। तो दोस्तों, कल से शुरू हो रहा है यानी 19 नवंबर से शुरू हो रहा है 34वां सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित बीबीडी एकेडमी में।